हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और अभी मैं सो के उठा हूँ और आ गया हूँ सीधे किचन में। मम्मी जी गर्म कर रही हैं चाय। मम्मी जी गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। मम्मी जी को 7 दिन बहुत ज्यादा आराम रहा, कोई काम नहीं करना पड़ा गांव में, पर हम अपने घर आ गए हैं तो हमें अब सब काम करना पड़ेगा। तो मम्मी जी बनाई है चाय और थोड़ी देर पहले की चाय है, जब तक मैं ब्रश करके आया हूँ। अब मम्मी जी चाय गर्म कर रही है और सुबह सुबह चाय के साथ शुरुआत करते हैं। हमारी ये वाली है, ये है मेरी गिलास, पी के बताता हूँ चाय कैसी बनी है। बहुत बढ़िया, कड़क अदरक वाली चाय। चलो भैया चाय के साथ निपटाते हैं सुबह सुबह के काम। हे गाइस, नहा धोकर हो गए हैं फुर्सत, और नहाने से पहले बहुत सारे मैंने कपड़े धोए हैं और अभी भी कपड़े वॉशिंग मशीन में पड़े हैं। ये देखिए पैंट, टी शर्ट, ये देखो जी टी शर्ट और ये पैंट, और इतने सारे ये देखो जी कपड़े, ये शर्ट और टी शर्ट और शैंडो बनियान है। ये पूरा डिब्बा नीचे तक भरा हुआ है। ये देखो वॉशिंग मशीन, अभी कम से कम 7 पैंट और इसके अंदर डले हैं, 7 से 8 पैंट होंगे मेरे ख्याल से, 8 पैंट होंगे जो अभी धुल के तैयार हो, इनको निचोड़ना है अभी। तो जितने कल के यात्रा के कपड़े थे ना, आज सब धो डाला, अब कुछ भी नहीं बचा है, सबके सब धो डाला हूँ। बस इनको सुखाना है, प्रेस वाले भैया के यहाँ भेज के प्रेस करवा लूंगा, सब कपड़े रेडी। तो आज मैंने इतना सारा काम किया और मौसम यार बहुत शानदार हो गया है। गांव से जब से हम लोग आए हैं ना, तो गांव में ऐसी गर्मी थी जैसे रेगिस्तान में होती है, और यहाँ इतनी ठंडा है जैसे उत्तराखंड में हम लोग आ गए हैं, शिमला मनाली ऐसा ठंडा लग रहा है। तो इतना फर्क है, वहाँ पे हम लोग को पसीना छूता था और यहाँ ठंडी लग रही पंखे में। रात को कंबल ओढ़ के सोने वाली ठंडी है, पतला कंबल ओढ़ के सोने वाली ठंडी है। और मौसम दिखाता हूँ शानदार, ये देखो सुबह से ऐसा ही बादल छाया है, हल्का हल्का झींसी पानी गिर रहा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना ठंडा ठंडा मौसम में रहने की मजा ही आ गया। हो गया है मेरे लंच का समय, सबने खाना खा लिया है, मैं ही बचा हूँ क्योंकि कपड़ा धो रहा था तो हो गया बहुत ज्यादा लेट। तो मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें तलूंगा थोड़े से बेबी रिंग, और ये है चावल, ये है दाल, और ये है भटे की सब्जी, और ये है बिही का सलाद। देखो मैंने अभी बनाया काट के, छोटी छोटी बीही रखी थी मैंने, 4 बीही थी मैंने काट डाला। मैंने बना देता हूँ सलाद। अब ये तेल हो गया चिट चिट कर रहा है, ये देखो इसको चेक करते हैं कि इसमें तेल गरम हो गया कि नहीं। अरे यार बाहर निकल जा भाई। ये डाला हूँ मैंने बेबी रिंग, क्योंकि थोड़ा सा बेबी रिंग खा लो ना तो अच्छा खाना खप जाता है। ये देखो बेबी रिंग मैंने तल ली है, क्या एक हाथ से कैमरा पकड़ कर एक हाथ से बेबी रिंग नहीं तला जाता, पूरे तेल के छींटे ना पड़ते हैं, बहुत पटपट पटपट करती है, इसलिए उसको पहले सावधानी से तल लेना ही सही है। मैं सोच रहा हूँ सिंपल दाल चावल ना खाकर उसको कढ़ैया में ना बघार दूं। तो मैंने निकाला ये लाल मिर्चा, जीरा, नमक और लाल मिर्ची का तड़का लगाता हूँ, उसमें चावल दाल सब डालता हूँ और मिक्स करके इकट्ठे पोहा टाइप का बनाता हूँ और फिर खाता हूँ, क्योंकि ऐसे तो नहीं खाएगा यार, क्योंकि देरी हो चुकी है। तो थोड़ा गर्म गर्म टाइप का बनाता हूँ। तो मैंने गैस कर दी है तेज, और तेल इसमें है थोड़ा सा, ज्यादा तेल नहीं यूज कर रहे हैं, बाकी तेल मैंने वो निकाल दिया पीछे कटोरी में। तो मैं ये डालूंगा तड़का, देखो शानदार खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया। हम ओ छनोटा थोड़ा सा गिर गया है तो बेबी रिंग छिट गई है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो एक नंबर शानदार, देखा है मजा आ जाएगी खाना खाते। तो मैंने इसमें ला दिया है चावल, ये देखो चावल मैंने इसमें ऐड कर दिया है और बहुत बढ़िया है, पूरा मिक्स हो गया है। ये दाल चावल गरम हो गए तड़के के साथ में, सब्जी को गरम कर लिया हूँ, और बिही को ना चलाते नहीं बना तो मैंने कढ़ाइया में डाल के इसको नमक मिर्ची चला दिया हूँ, और ये है बेबी रिंग। मेरा लंच हो गया है तैयार, प्लेटफॉर्म पे गिर गया थोड़ा सा पानी, बाद में पोंछ देंगे कोई बात नहीं। अब जब खाना गर्म हो ही गया है तो लेट नहीं होते और फटाफट इसको करते हैं फ्रेश। ये देखो पूरे कपड़े धो दिए, देखा मैं बोल रहा था ना धो दिए, पूरे बाल्टी में था ना, ये देखो इतने सारे थे, ये देखो ये भाई वाकई बहुत कपड़े धुल गए आज, ये देखो पूरे धुल गए। अब ये पैंट चल ही रहे हैं, इन सबको ना पानी आने लगा है तो इसको अंदर डालना पड़ेगा, ये पैंट भी निकाल के सुखाना भाई, सुखाना भाई सुखाना बहुत, आज दिन भर यही काम में लग गया यार। गांव में जितने कपड़े लगे पूरे धो डाले आज, पूरे धो दिया, पानी गिरना चालू हो गया। तो बरसात में सबसे बड़ी झंझट क्या लगती, बाहर सुखा नहीं सकते, अंदर पंखे में ज्यादा सूखते नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इसको टांगना पड़ेगा यार। एक काम करना है, इसको अंदर के कमरों में फैला दो, पंखों में टांग देता हूँ, पापा जी वाले कमरे में, मेरे वाले कमरे में टांगना पड़ेगा, बरसात बस यही एक ज्यादा दिक्कत होती है। मम्मी जी की हो गई है तबीयत खराब, अभी बहुत देर लेटी नहीं, कम्बल ओढ़ के देखो लेटी है और अभी उठी है ये,
और देखो कहता चेहरा उतरा हुआ दिख रहा है इनको, इनको पानी बदलने की वजह से सर्दी बुखार हो गया, इनको सर्दी बुखार हो गया है, बहुत ज्यादा इनको सर्दी हो रही है और ठंडी भी लग रही है, तो गोली दे दी है, तो थोड़ी देर आराम करके अब भी उठी है ये। मम्मी जी ठीक लग रहा है क्या है? वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी थी और यहाँ बिल्कुल ठंडा है। अरे कमरे के अंदर भी कंबल सा ओढ़ के रात को सोना पड़ रहा है। काली भैया मम्मी ओढ़ के सो रही है। तो मम्मी ठीक है ना, खिचड़ी खाओगी? खा लेगा थोड़ा। अब सबकी थोड़ी थोड़ी तबीयत क्या है, मेरी भी थोड़ी हरारत टाइप की लग रही है, शरीर मेरा भी उठ नहीं रहा है, दिन भर कपड़े धो के हो गए, थकान, और मौसम चेंज हुआ है ना तो शरीर पर भी असर हो रहा है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि आज बना लेते हैं रात को खिचड़ी, हल्का हल्का पतला पतला खा लेंगे, बढ़िया डिनर हो जाएगा। भाई साहब सुबह से शाम तक से मिठाई खा रहे हैं, ये देखो भाई मैंने खरीद के लाया है ताकि मैं ये देखो रोज खा सकूं। हमारे यहाँ 10 किलो मिठाई हमने बिहार से पैक करा के खरीद के लाए हैं। इसमें देखो छेना है, इसमें काला वाला रसगुल्ला है, इसमें भी छेना है, पेड़ा है, बर्फी है, और एक और क्या था, एक और बर्फी मलाई केक है, मलाई केक भी है, और देखो वो भी पीछे छेना भरा है, इसमें भी है, इसमें भी पेड़ा भरा है, ये पूरा टोटल मिला के 10 किलो मिठाई है। और भाई साहब सुबह से शाम तक ना सिर्फ फ्रिज छोड़ ही नहीं रहे हैं, बोले हमें तो सिर्फ मिठाई खानी है। भाई साहब भैया हमारे लिए भी भैया डिब्बा रखा ना, उसमें बात जाएगी। ये मैंने अपना डिब्बा रखा, देखो ये देखो ये मैंने अपना डिब्बा रखा है, ये देखो ये छेना रखते जा रहा हूँ, जितने भाई साहब पीस खाएंगे मेरा इसमें डाल देंगे। मलाई केक रखा है, मलाई मलाई केक खोले यार, बहुत बढ़िया लगा, वो ठंडा हो गया, वो तो ठंडा हो गया ना भाई, खोलो 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 मलाई केक। अभी मैंने पूरी फ्रिज की ना यहाँ बर्फ जम गई थी, पूरी बर्फ जम गई थी, मैंने पूरी निकाल दी। अरे पूरी निकाली तब जाके फ्रिज ठंडी हुई है, बंद करो भैया नहीं तो भाप उड़ जाएगी। ये देखो इसको बोलते हैं मलाई केक, बिहार की प्रसिद्ध मिठाई। भाई थोड़ी सी चखाएंगे क्या? बिल्कुल चख लो दादा, चखाओ। हम तो बैठे हैं चखने चखाने के लिए। ये बोल रहे हैं एक किलो हमें रोज दे दो। अरे 10 किलो में तो 5 किलो भाई सब आप खाएंगे है ना? हाँ भाई मैं तो खाऊंगा। पापा को ही दो प्लेट कहाँ चल गई है? मलाई केक मम्मी को दो, मम्मी को, मम्मी भी खाएंगी, पापा जी भी खा रहे हैं मलाई केक, भाई साहब भी खा रहे हैं मलाई केक। भाई एक नंबर मिठाई है, बहुत बढ़िया छेना ही, छेना टाइप का ही होता है, जितना ये ठंडा होता है ना उतना स्वादिष्ट होता है, हल्का खिंचाव पाना था ठंडा होने के बाद। मिठाई तो हमें अपने शहर में ही मिलती है बिल्कुल ताजा ताजा, हमारा एक भाई ये मित्र रेस्टोरेंट चलाता है तो हम जब भी ऑर्डर देते हैं तो बिल्कुल ताजी ताजी मिठाई बना देते हैं वो भी, पर बिहार की मिठाई हाय 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 हाय, मम्मी की और हम लोग की फेवरेट होती है बिहार की मिठाई। हम लोग जब भी जाते हैं ना गांव 10 किलो मिठाई तो लेके ही आते हैं, ट्रेन में ढोना जरूर पड़ता है। पर भाई जब यहाँ आने के बाद खाते हैं ना तो बहुत मजा आ जाता है, ताजा शुद्ध गाँव के दूध के छेने की बर्फी, मिठाई, रसगुल्ला सब। भाई साहब बना रहे हैं खिचड़ी और मिर्ची देखो कहाँ काट रहे थे ये गैस पे, भैया प्लेट ले लिया करो यार। नहीं नहीं बहुत है? अच्छा कट 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 काटते हैं, बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है, अच्छी कट जाती है भाई सही बता रहा हूँ। उसी में जीरा भी डालोगे? हाँ। ये देखो बढ़िया हमारी खिचड़ी बन गई है, चटपटी है ना, तीखी करनी क्या? नहीं दी ज्यादा तीखी मत करना, तो मम्मी बोलेंगी कि मुँह में नहीं जा रहे। हाँ नमक मसाला फिर से टेस्ट करो एक बार, ठीक है? हाँ तड़के में तो डाल ही रहो लाल मिर्ची, ठीक है चला दो इसको अच्छे से। और कितनी देर लगेगी? बस हो गया, थोड़ा गरम मसाला डाल दूँ। गरम मसाला भी डालोगे? नहीं पहले भी डाला मैंने, थोड़ा सा डालना ज़्यादा जले ना गले में। ये भैया सबसे बढ़िया तबीयत खराब रहा तो खिचड़ी खा लो, खिचड़ी से अच्छा कोई खाना नहीं है। ये हमारा तड़का लग गया है भाई, थोड़ा सा उसको चलाएं मिर्ची को। हाँ मिर्ची को जलाएंगे ना बहुत अच्छा, पूरा लाल लाल ऐसी आग निकालो ना एक बार। नहीं नहीं यार पूरा खराब हो जाएगा मसाला। क्या यार पूरी गैस के ऊपर ना पूरा तेल में बहुत मजा आता है। हमारा तड़का हो गया है रेडी, अब जो जा रहा है कुकर के अंदर, डिनर हो गया है रेडी और खिचड़ी आ गई है मेरी थाली में। ये देखो लाजवाब खिचड़ी, बहुत बढ़िया। हे गाइस ब्लॉग की करते हैं एंडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी इस ब्लॉग में, गुड नाइट, बाय बाय।